दोस्तों, जैकी चैन महज सिर्फ एक्टर और स्टंटमैन ही नहीं बल्कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एक्शन कोरियोग्राफर, सिंगर, स्टंट डायरेक्टर और स्टंट परफॉर्मर भी है। पूरी दुनिया में उनके करोड़ों चाहने वाले हैं। उन्होंने 2015 में एक इंटरव्यू दिया जो उस समय तो इतना चर्चा में नहीं हुआ, लेकिन इन दिनों ये इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है। इसमें जैकी ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि ये शादी उन्हें मर्जी के खिलाफ जाकर करनी पड़ी थी। इसकी वजह थी उनका बेटा जैसी, उनकी उस समय की गर्लफ्रेंड और अब पत्नी बन चुकी जॉन लिन गर्भवती हो गई थी, तब मजबूर होकर उन्हें शादी करनी पड़ी। प्यार नहीं, हालात से मजबूर होकर जैकी चैन ने प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड से शादी की थी। जैकी के अनुसार उनकी पहली संतान जैसी का जन्म एक दुर्घटना थी, क्योंकि वो कभी शादी के बारे में नहीं सोचते थे, पर लीन की प्रेगनेंसी के बाद उन्हें दबाव में शादी करनी पड़ी। इस साक्षात्कार में जैकी ने और भी कई चौंकाने वाले राज खोले थे। उन्होंने बताया कि उनके और लीन के बीच का प्यार बहुत पहले खत्म हो चुका था। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो उनका रिश्ता खत्म हो चुका होता। उन्होंने लीन से शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि सवाल उनके बच्चे का था। उन्होंने ये भी कहा था कि उस दौर में उनकी कई प्रेमिकाएं थीं। ऐसा ही रिश्ता उनका ब्यूटी क्वीन एलन एनजी से था, जो उनकी बेटी एट्टा की माँ भी हैं। बेटी से जैकी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। बेटा भी ड्रग का शिकार है और पिछले दिनों उसके पास से 100 ग्राम से ज्यादा मारिजुआना बरामद होने पर उसे जेल भी हुई थी। आज दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर जैकी चैन का बचपन बहुत प्रॉब्लम से भरा था। उनका परिवार काफी गरीब था, यहाँ तक कि भरण पोषण न कर पाने की वजह से उन्होंने जैकी को एक डॉक्टर को बेचना चाहा था। उसी डॉक्टर ने बच्चा तो नहीं खरीदा, पर जैकी के माँ बाप की मदद की। अब जैकी अरबों की संपत्ति के मालिक हैं। चैन कॉन्ग सेंग, जो जैकी की माँ थी, उन्होंने दूसरों के घरों में नौकरानी के तौर पर काम करके उन्हें पाला। बड़े होकर जैकी ने ब्रूसली की फिल्मों में स्टंटमैन के तौर पर काम करना शुरू किया। इसके बाद वे चीनी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने गए, पर कामयाबी नहीं मिली और वे ऑस्ट्रेलिया चले गए। वहां उन्होंने कुछ वक्त कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम किया। उसके बाद उन्हें चीनी फिल्म स्नैक इन द ईगल्स शैडो का ऑफर मिला और यहां से उनका करियर शुरू हुआ और कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंचा। कभी जिस शख्स के सर पर छत भी नहीं थी, आज सिंगापुर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और यूएस सहित दुनिया भर में वो कई शानदार घरों का मालिक है। तो ऐसी ही हॉलीवुड न्यूज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप देख पाएं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।